दोस्तों, अगर आपके व्हीकल का कमर्शियल परमिट बना हुआ है और आप इसको प्राइवेट परमिट में कन्वर्ट करवाना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगा, कैसे क्या स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। अगर वीडियो बेनिफिशियल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। दोस्तों, कमर्शियल परमिट को प्राइवेट परमिट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स क्लियर करनी होती है। सबसे पहले हमें करना क्या है दोस्तों, कमर्शियल परमिट है जो उसको कैंसिल करने के लिए अप्लाई करना होगा। उसके बाद हमें री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा, अपने व्हीकल का री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। इसके लिए आपको आरटीओ ऑफिस विजिट करना पड़ेगा, आरटीओ ऑफिस में जाना पड़ेगा। ऑनलाइन करने का कोई प्रोसेस नहीं है दोस्तों, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, सारी फेक होती है कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं। तो नॉर्मल सी डिटेल, आपको सिंपल आरटीओ ऑफिस जाना है विद ACC फॉर्म के साथ। मैं आपको दिखा देता हूँ ACC फॉर्म कौन सा होता है। ये कहते हैं फॉर्म ACC, जब हमें परमिट क्लियरेंस का सर्टिफिकेट चाहिए तो हमें अपने डॉक्यूमेंट के साथ ये लगवाना पड़ेगा। अगर आपको ये फॉर्म चाहिए तो आप वीडियो में सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर वीडियो में कमेंट करें अपना व्हाट्सएप नंबर, मैं ये आपको व्हाट्सएप नंबर को सेंड कर दूँगा और आसानी से प्रिंट निकलवा के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ACC फॉर्म के साथ हमें RC की फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है, एक इंश्योरेंस की फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है और ID प्रूफ, ये चाहे आधार कार्ड, वोटर कार्ड जो भी आपके पास है आप लगा सकते हो। ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ हमारे पास होना चाहिए। दोस्तों, एक बार परमिट कैंसिल होने के बाद RTO ऑफिस की तरफ से हमें एक NOC स्लिप दी जाती है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है आगे का प्रोसेस करने में। तो NOC स्लिप मिलने के बाद अब आप कभी भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों, हमें री रजिस्ट्रेशन के लिए हमें सबसे पहले ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड और 2 फोटोज़ की ज़रूरत पड़ेगी और NOC स्लिप जो हमने परमिट कैंसिल करवाया है उसकी NOC स्लिप की भी ज़रूरत पड़ेगी। और फॉर्म नंबर 20 री रजिस्ट्रेशन के लिए जो होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह। दोस्तों, यहाँ पे आप फॉर्म नंबर 20 देख सकते हो। अगर आपको ये फॉर्म चाहिए तो वीडियो में कमेंट करो अपने व्हाट्सएप नंबर, मैं आपको ये व्हाट्सएप नंबर ऊपर सेंड कर दूँगा। और अगर आपका व्हीकल जो फाइनेंस पर है तो आपको फॉर्म नंबर 35 की NOC की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर्म इस तरह का फॉर्म होता है, अगर आपको चाहिए तो वीडियो में कमेंट करें और पैसे उससे पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, रिक्वेस्ट है आपसे। तो अगर आपको ये मैं व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दूँगा, ये फॉर्म हमने सब डॉक्यूमेंट के साथ लगाना है। अगर आपका जो व्हीकल है लीज पर है या एग्रीमेंट पर है या लोन पर है, और उसके बाद आपको अपने व्हीकल का इंश्योरेंस लेके RTO ऑफिस जाना है, वहाँ पर सबमिट करवा देना है। दोस्तों, विद इन 15 दिन आपकी जो न्यू RC होगी वो आपके घर पर पोस्ट ऑफिस किराई आ जाएगी। अगर आप इसका ऑनलाइन स्टेटस चेक करना चाहो तो वो भी आप चेक कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना भूल गया, अगर आपका जो परमिट है उसको लिए हुए 2 साल हो गया तो ये जो सारा प्रोसेस वो आप कर सकते हो, इससे पहले आप नहीं कर सकते। अगर इससे पहले करना चाहते हो तो मान लो आपका जो परमिट है 1 साल पुराना है, इसके लिए हमें 1 साल का जो परमिट कंप्लीट करना था उसकी पेमेंट अलग से करनी पड़ती है, तो जाके आपका जो है प्राइवेट परमिट में कंप्लीट होगा। ओके दोस्तों, अगर वीडियो बेनिफिशियल लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करो चैनल को और सब्सक्राइब और लाइक करते रहो वीडियो को।